नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत की जरूरत अब ताकतवर देशों को भी है। वो जानते हैं कि भारत ही है जो उनकी मदद कर सकता है, इसलिए भारत को विश्व गुरु हम बस कहते नहीं बल्कि दुनिया मानती भी है। वो जानते हैं कि दुनिया में शांति दूत की भूमिका केवल भारत ही निभा सकता है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में इसराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। बस एक दूसरे के बंधकों को छोड़ने के लिए कुछ दिन के लिए युद्ध विराम किया गया, लेकिन अब तक पूरी तरह से ये युद्ध नहीं रुका है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद बोल चुके हैं कि युद्ध विराम मतलब हमास के सामने घुटने टेकना, दोनों तरफ से कोई मानने को तैयार नहीं है। इसके चलते अरब देशों के राजनयिकों के बीच भी हलचल है, जिसमें सऊदी अरब ने भारत से बड़ी मांग की है। दरअसल हर साल 29 नवंबर को फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए अरब देशों के डिप्लोमेट्स भारत में एक साथ होते हैं। 11 नवंबर को सऊदी अरब ने संयुक्त अरब इस्लामिक समिट को बुलाया था। अरब के एक सीनियर डिप्लोमेट ने इसी समिट में नई दिल्ली में कहा कि अरब देश उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया में टिकाऊ शांति और स्थिरता के लिए अहम भूमिका अदा करे। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह बिन इल अल हुसैनी ने संकेत दिया कि भारत के साथ वार्ता जारी है और वह चाहते हैं कि भारत सरकार गजा में स्थायी युद्ध विराम का समर्थन करे। इस समिट में सऊदी अरब ने दुनिया के सभी देशों से आग्रह किया था कि कोई भी इसराइल को हथियार और गोला बारूद निर्यात न करे। सऊदी अरब ने भी यही अपील की कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए। सऊदी अरब की इस अपील का समर्थन अरब इस्लामिक समिट में आए जॉर्डन, मिस्र, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मोरक्को समेत सभी इस्लामिक देशों ने समर्थन किया था। इसके बाद अरब इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने कई देशों का दौरा किया था। भारत में सऊदी अरब के राजदूत अल हुसैनी ने कहा कि अरब के इस्लामी देशों का फिलिस्तीनियों को लेकर दुनिया भर के देशों का दौरा अब भी जारी है। इसकी शुरुआत यूक्रेन, रूस, ब्रिटेन और पेरिस में हुई थी। हम स्पेन भी गए थे। भारत एक अहम देश है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता के लिए अहम भूमिका वो अदा करेगा। अब आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध में भारत का क्या स्टैंड है। तो भारत ने इसी महीने के दूसरे हफ्ते में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था जिसमें कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियों की निंदा की गई थी। पूर्वी यरूशलम और सीरियाई गोलान समेत कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली बस्तियां टाइटल से यूएन महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 वोट पड़े थे, खिलाफ में 7 और 18 देश वोटिंग से बाहर रहे थे। जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था विदेश थे कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड्स, पेट्रेटल स्टेटस ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू और अमेरिका। सबसे दिलचस्प बात है कि भारत ने इसराइल के खिलाफ वोट किया था। इसराइल के खिलाफ वोट करने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव में पक्ष में भारत का मतदान करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। भारत द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और अरब के साझेदारों के साथ संतुलन की नीति भी भारत की पुरानी है। यह प्रस्ताव आतंकवाद के मुद्दे से भी अलग था। हालांकि अक्टूबर में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा में इसराइल के हमले को लेकर युद्ध विराम का प्रस्ताव ला गया था तो भारत वोटिंग से बाहर रहा था। तब भारत के रुख को इसराइल के प्रति मोदी सरकार की नरमी के तौर पर देखा गया था। तो इस तरह से अरब देश उम्मीद लगाए बैठे हैं भारत से कि वो शांति दूत बनेगा और युद्ध विराम पर अपना समर्थन करेगा और भारत की तरफ उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब इस तरह से भारत की बढ़ती ताकत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।